हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं समीर आप सभी की अपने ही यूट्यूब चैनल डिजिटल पावर में हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो अभी बिहार में जीएनएम की जो न्यू वैकेंसी आई हुई है, 21 सब पोस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से। इससे पहले मैंने यहाँ पे कंप्लीट जानकारी एक वीडियो में बना के मैंने आपको बता दिया था कि आप कैसे यहाँ पे इसका क्वालिफिकेशन है और वैकेंसी कितनी है, ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका क्या है और यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं, और साथ साथ बताया था फ्रेंड्स कि इसमें फी कितना लगने वाला है और इसका लास्ट डेट क्या है। इस वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ अप्लाई करने का प्रोसेस बताऊंगा अपने मोबाइल फ़ोन से कि आप ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको फर्स्ट में यहाँ पर मिलेगा एक लिंक, एप्लीकेशन वैलिड फॉर 6 मंथ, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, इस तरह पेज ओपन होगा। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ जूम करके, यहाँ पे आपको मिलेगा फ्रेंड्स देख लीजिएगा, क्लिक हेयर, यहाँ अप्लाई ऑनलाइन के लिए क्लिक हेयर पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। जब पेज ओपन होगा तो 3 डॉट पे क्लिक करना है और आपको डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेना है। मैं आपको फास्ट प्रोसेस बता रहा हूँ फ्रेंड्स कि आप कैसे बिना गलती किए हुए आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? उसके बाद जब नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि 16 जुलाई से आज से ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो रहा है और लास्ट आपको 29 जुलाई है। अगर आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, आए हैं इस वेबसाइट पे, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले मैं न्यू कैंडिडेट का अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपको रजिस्टर वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पेज ओपन होगा जो कुछ इस तरह से आपको शो हो जाएगा। जब पेज ओपन होगा तो यहाँ पर आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपको अपना नाम डाल देना है। यहाँ पर देख सकते हैं आपको फर्स्ट नाम, यहाँ पर मिडिल नेम और यहाँ पर आपको लास्ट नेम डालना है। सपोर्ट डेट मैं आपको एक फिल करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने फिल कर दिया। यहाँ पे फर्स्ट नेम में आपको अपना फर्स्ट नेम डाल देना है, और आपका फर्स्ट नेम और मिडिल नेम में मिडिल नेम और यहाँ पे लास्ट नेम में लास्ट नेम। ठीक है फ्रेंड्स? जैसे यहाँ पे मान लीजिए आपका मिडिल नेम अगर नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स, तो उस कंडीशन में आप मिडिल नेम वाला छोड़ दीजिएगा, लास्ट नेम आप फिल कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अप्लाइड, यहाँ पर कोर्स ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेगा। इसमें आपको क्वालिफिकेशन में आपको सेलेक्ट करना है कि आप किस क्वालिफिकेशन क्या है, आप जीएनएम है यानी जीएनएम किए हुए हैं या आप बीएससी नर्सिंग किए हुए हैं। यहाँ से आपको अपना जो कोर्स किए हैं वो कोर्स आप सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपको मिलेगा फ्रेंड्स कि सर्टिफिकेट, यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स कि जनरल नर्सिंग जो सर्टिफिकेट है। तो ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपके लास्ट सेमेस्टर में बीएससी के लास्ट सेमेस्टर में क्या नर्सिंग का सिलेबस था, तो यहाँ पे यस और नो आपको दे देना है। अगर था तो यस, अदरवाइज आप नो कर दीजिएगा। उस बाद यहाँ पे आपको मांगा जाएगा कि आर यू रजिस्टर्ड विथ नर्सिंग काउंसलिंग, यानी आपका रजिस्ट्रेशन है तो यस कीजिएगा, अदरवाइज नो कर दीजिएगा। अगर यहाँ पर आप नो करिएगा उस कंडीशन में यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स बता रहा है कि यू आर नॉट एलिजिबल, तो आपका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप रजिस्टर कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर बता रहा है फ्रेंड्स कि प्लीज़ स्पेसिफाई विच नर्सिंग काउंसलिंग यू आर रजिस्टर्ड, यानी किस नर्सिंग काउंसलिंग से आप रजिस्टर है, यानी बिहार नर्सिंग काउंसलिंग, इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग या अदर स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग से आपका रजिस्टर है। तो यहाँ पर मेरा बिहार नर्सिंग काउंसलिंग से रजिस्टर है, यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आपको फिल कर देना है, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आर यू सिटीजन इन इंडिया, तो आपको यस कर देना है। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप बिहार के निवासी है, तो आप यस कीजिएगा। उस बाद यहाँ पे आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, जो अपना कैटेगरी आप आते हैं आप यहाँ से अपना कैटेगरी आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ फिल कर देना है, आपका जन्म, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद एक कैलेंडर ओपन होगा, कैलेंडर से यहाँ से आपको अपना ईयर सेलेक्ट करना है कि आपका जन्मतिथि में ईयर कौन सा होगा था। जैसे मैं यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स मेरा 1996 है, तो मैं यहाँ पर 96 डालता हूँ और यहाँ पर दिसंबर, उसके बाद यहाँ पर 25। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपका एज कैलकुलेशन हो गया कि आपका एज 24 वर्ष 6 महीना और 6 दिन आपका हो गया है। उसके बाद यहाँ से आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको माना मिलेगा कि आपको पीएफडब्ल्यूडी है, तो यस या नो में आप जवाब दे दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका फ्रीडम फाइटर से करें है तो नहीं है तो नहीं नो कर दीजिएगा, है तो आप यस कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी डाल देना है, कन्फर्म ईमेल आईडी कर देना है, और उसके बाद मोबाइल नंबर डाल के आपको जो कैप्चा दिया है फिल करके आपको, और उसके बाद आपको नीचे टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करके आप सबमिट एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है।
क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, और यहाँ पे आपको मिलेगा रजिस्ट्रेशन नंबर देखने के लिए कि यू हैव रजिस्टर सक्सेसफुली, और यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर कॉपी कर लेना है, या आप चाहे तो इसके एक स्क्रीनशॉट भी आप लेके रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप आना है, नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, लॉगिन टू कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डाल देना है, और यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड फिल कर देना है, और आपको कैप्चा फिल करके आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लॉगिन सक्सेसफुली यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो आपका सभी डिटेल्स नीचे शो कर देगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पे आपको अपना फादर्स नेम डाल देना है, यहाँ पे मदर्स नेम डाल देना है, और यहाँ पे आपको आधार नंबर डाल देना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंडेटरी नहीं है, यहाँ पे आप दे सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है कि आप मैरिड है या अनमैरिड है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है, और यहाँ पे आपको अपना एड्रेस फिल कर देना है। यहाँ पे आप एड्रेस कैसे फिल कीजिएगा, यहाँ पे आप लिख दीजिए अपने गांव का नाम, जैसे भील यानी गांव का नाम, पोस्ट ऑफिस और पुलिस स्टेशन, ये आपको फिल कर देना है। या आप चाहे तो इसको ऐसे भी फिल कर सकते हैं, फर्स्ट में अपने विलेज, सेकेंड नंबर रोम यहाँ पे आपको दीजिएगा पोस्ट ऑफिस, और थर्ड में आपको डाल देना है पुलिस स्टेशन। उसके बाद यहाँ पे आपको स्टेट सेलेक्ट करना है कि स्टेट कौन सा होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है कि आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा होगा। तो मेरा यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स वेस्ट चंपारण है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना एरिया पिन कोड डाल देना है, तो मैं अपना एरिया पिन कोड यहाँ पे फिल कर देता हूँ, 84 54 38। क्लियर फ्रेंड्स। उसके बाद अगर दोनों एड्रेस आपका सेम है, उस कंडीशन में आपको यहाँ चेकबॉक्स को चेक कीजिएगा तो सभी डिटेल्स ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगे। उसके बाद नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, अब आपको यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फिल कर देना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको सेकेंडरी का एग्जाम जो दिए हुए हैं उसका डिटेल्स यहाँ फिल कीजिएगा, कि यानी यहाँ पे नेम ऑफ द बोर्ड, यानी किस बोर्ड से आप पास किए हैं इंटरमीडिएट। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ BSCB, यहाँ पे आप डालिएगा बिहार बोर्ड से था मैं, तो BSCB डाल देंगे। उसके बाद स्पेशलाइज क्या था, तो यहाँ पे आप डाल दीजिएगा कि आपका कौन स्पेशलिस्ट था, यानी किस स्ट्रीम से थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पे डालूंगा ISC, या आप यहाँ पे डाल सकते हैं PCB, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। यहाँ पे आपको डालना है पासिंग ईयर, मैं आपको एक कंप्लीट फिल करके देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने डिटेल्स भर लिया। यहाँ पे आपको अपना सेकेंडरी वाला सेक्शन में अपना बोर्ड या स्कूल का नाम या यूनिवर्सिटी का नाम डालना है। यहाँ पे किस सब्जेक्ट से, यानी मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से था, पास किया 2014 में, मैं कितना नंबर का एग्जाम हुआ था मेरा 500 का था, उसमें से मेरे 352 नंबर आए, यहाँ पे परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो जनरल नर्सिंग का कोर्स मैंने सेलेक्ट किया था वो मैंने कहाँ से किया, यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे डाल दिया है, कोर्स कौन सा था यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, GNM, और यहाँ पे पासिंग ईयर 2018, यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, कितने मैंने ऑब्टेंड किया, परसेंटेज कितना था, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेट कर लेगा। उसके बाद यहाँ पे वर्किंग स्टेटस यहाँ पे आपका देना है कि क्या आपने कभी वर्किंग किया है या नहीं किया है। नहीं किया है तो यहाँ पे आप फ्रेशर पे क्लिक करेंगे, और किया है तो आप कहाँ से किए वो आपको डिटेल्स यहाँ पे फिल कर देना होगा। तो मैं नहीं किया, फ्रेशर हूँ, तो उसके बाद मैंने फ्रेशर सेलेक्ट कर दिया। टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है, और यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएगा, यानी फोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। फोटो सिग्नेचर की बात कर ले तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका जो फोटो होना चाहिए वो 100 से 200 KB के अंतर्गत होना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पे आपको मिलेगा फ्रेंड्स चूज फाइल का ऑप्शन, चूज फोटो, यहाँ से क्लिक कीजिएगा, फाइल में आप क्लिक कीजिएगा, जहाँ अपना फोटो रखे वहाँ पे फोटो पे आइएगा। मेरा यहाँ पे फोटो, मैं यहाँ पे फोटो पे क्लिक करूँगा, मेरा फोटो यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद आपको अपलोड वाला फाइल पे क्लिक कर देना है। अपलोड पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपको अपना फोटो अपलोड हो जाएगा। इसी तरह आपको अपना सिग्नेचर भी यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करना है, और सिग्नेचर आपको अपलोड कर देना है। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको सेवन कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आ जाएगा प्रीव्यू वाला ऑप्शन, यहाँ पे आप अपना प्रीव्यू देख लीजिएगा। प्रीव्यू देखने के बाद नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका फोटोग्राफ्स सिग्नेचर अपलोड हो चुका है। ऊपर का सभी जानकारी अगर सही है, उस कंडीशन में आपको यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है, और यहाँ पे अगर लगता है कि इस पर अगर दिक्कत हो तो आप एडिट पे क्लिक करके अभी आप इसको एडिट कर सकते हैं। अगर सब सही है उस कंडीशन में आपको कंटिन्यू टू पेमेंट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है, यानी यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपसे 500 रुपये चार्ज किए जाएंगे। उसके बाद आपको क्लिक टू पे वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक पे पे क्लिक करने के बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है, और उसके बाद आपको पेज को बैक स्पेस
या आप पेज को रिफ्रेश मैं कीजिएगा फ्रेंड्स। उसके बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे आपको शो किया जाएगा कि ड्यूरिंग टू पेमेंट प्रोसेस प्लीज डू नॉट क्लोज दिस विंडोज और क्लोज क्लॉक बैक या आप रिफ्रेश बटन को यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्रेस ना करें। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने पे आपको सिलेक्ट करना है कि आप पेमेंट कैसे करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, रुपए, डेबिट कार्ड, रुपए का क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या वैलेट्स या UPI या कैश या भीम पे, बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे पेमेंट करने की सुविधा आपको मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे सबसे बढ़िया यहाँ पे मैं बता दूँ फ्रेंड्स, या आप नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करें, या इसको अगर नहीं करना है तो आप रुपए डेबिट कार्ड या कोई और डेबिट कार्ड का उपयोग करें। तो मैं यहाँ पे डेबिट कार्ड पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे अपना डेबिट कार्ड का नंबर डाल देना होगा। उसके बाद यहाँ पे कार्ड होल्डर का नेम यानी कार्ड पे आपका जिस तरह नाम है, स्पेलिंग जो यानी जिस प्रकार स्पेलिंग है, चाहे वो गड़बड़ है या सही है, उसी प्रकार स्पेलिंग आपको फिल करना है। उसके बाद आपको एक्सपायरी डेट डाल देना है और CVV नंबर यानी कार्ड के पीछे तीन अंकों का जो CVV नंबर होता है वो आपको डाल देना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपको पे नाउ वाला ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, उस OTP को आपको फिल कीजिएगा। OTP फिल करने के बाद आपका जो पेमेंट कंप्लीट हो जाए, सबमिट पे क्लिक कीजिएगा, आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा। उस बाद आपको वहाँ पे एक रिसीविंग मिल जाएगा जिसकी सहायता से आप उस पर आपको मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन ID और वहाँ पे यूजर ID और पासवर्ड आपको मिल जाएगा, जिसकी सहायता से आप जब चाहे लॉगिन कर सकते हैं, यानी उससे आप अपना एडमिट कार्ड भी आप लोग जब रिलीज किया जाएगा एडमिट कार्ड तो डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह आप कर सकते हैं अपना फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई अपने मोबाइल फ़ोन से अपने घर बैठे। तो मिलते हैं फिर फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।